कथा समाख्या का, जैसा मैंने कहा कि ये 10वां आयोजन है, इसके पूर्व 9 आयोजन हुए हैं। इन 9 आयोजनों की शुरुआत सबसे पहले 2016 में छत्तीसगढ़ से हुई थी और वहां सरगुजा के वन्य प्रदेशों में 3-4 स्थानों पर गोष्ठियां हुई, 3 दिन की गोष्ठियां। और इन गोष्ठियों में कहानी केंद्रित एक विशिष्ट विषय पर चर्चा हुई। आरंभ में जब कथा समाख्या का की शुरुआत हुई तो हिंदी कहानी से संबंधित किसी खास विषय को चुनकर उस पर विस्तार के साथ 3 दिनों में चर्चा की जाती थी। प्रायः एक ही विषय पर 3 दिन लगातार बहसें हुआ करती थी। बाद में कार्यक्रम के ढांचे में थोड़ा परिवर्तन हुआ और ये विचार किया गया कि बिल्कुल नए कथाकारों को, जिन्होंने अभी लिखना शुरू किया है, उनकी कहानियों पर अगर हम चर्चा करें तो नई पीढ़ी को समझने का एक अवसर मिलेगा और नई पीढ़ी भी हिंदी कहानी की जो पूरी धारा है उसको ठीक तरह से समझ पाएगी और एक तरह का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान इसके जरिए हो सकेगा। इसकी शुरुआत कुछ बाद में हुई, लेकिन जो पहला आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, उसका विषय था कहानी का नवाचार। कहानी में जो नए प्रयोग हो रहे थे उनको लेकर उसमें 3 दिनों में बातचीत हुई और ये आयोजन 2016 में 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच हुआ था। जो दूसरा आयोजन है 2017 में हुआ था और ये बड़ौदा गुजरात में 2, 3 और 4 सितंबर 2017 को हुआ था और इसका विषय भी लगभग वही था जो पिछले कथा समाख्या का विषय था, कहानी में नव प्रयोग। इसके बाद जो तीसरा कथा समाख्या हुआ ये 1 वर्ष बाद 2018 में 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच हुआ पुणे में। इसमें जो विषय चुना गया था वो था आज के सवाल और हिंदी कहानी, बदलते गांव की दास्तान। इस आयोजन के बाद कथा समाख्या का चौथा आयोजन फिर से छत्तीसगढ़ में हुआ, बार नवापारा के जंगलों में। 3 दिन की इन गोष्ठियों में विषय जो चुना गया था वो था गांव की कहानी। पांचवा कथा समाख्या 2019 में हुआ और ये हुआ था सवाई माधोपुर राजस्थान में। इस पांचवें आयोजन से ही कथा समाख्या का ढांचा जो है वो थोड़ा परिवर्तित हुआ और अब विषय केंद्रित न रहकर कथाकार केंद्रित भी होने लगा और नए कथाकारों पर खास तौर से। तो 4 आयोजन पूरी तरह से विषय केंद्रित रहे, 5वें आयोजन में 6 नए कथाकारों की कहानियों पर चर्चा हुई। कथादेश में इन कहानियों का बाद में प्रकाशन हुआ लेकिन उसके पूर्व एक विज्ञापन के जरिए नए लेखकों से कहानियां आमंत्रित की गई और एक चयन समिति ने इनमें से 6 कहानियों का चयन किया। इन कहानियों पर चर्चा हुई और एक तरह का ये प्रयोग था, पहली बार इस तरह से हुआ हिंदी में कि बिल्कुल नए कथाकारों पर पूरी तरह से एक आयोजन को एकाग्र किया जाए। ये आयोजन बहुत ही सफल रहा और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथाकार उभर कर आए और कथा समाख्या इस पर गर्व कर सकती है कि इसके बाद जो भी नए आयोजन हुए उसमें जो नए कथाकार आए वो धीरे धीरे अपने पहचान बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसमें 6 कथाकारों ने भाग लिया था, वे थे अक्षत पाठक जो इस आयोजन में भी उपस्थित रहेंगे, जगदीश सौरभ, दिव्या विजय, सिनीवाली शर्मा, अभिषेक पांडे और घनश्याम कुमार देवांश। 6ठा आयोजन फिर से विषय केंद्रित था और इसमें विषय रखा गया था कहानी में गढ़ंत और ये आयोजन हुआ था 29 फरवरी से 2 मार्च 2020 को बरेली पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश में। 7वां आयोजन फिर से छत्तीसगढ़ में हुआ और ये हुआ था 12 से 14 नवंबर तक के बस्तर में। इस आयोजन में जो पहले का जो विषय था, क्योंकि कथा समाख्या के पीछे ये धारणा रही है कि हिंदी कहानी पिछले कुछ दशकों में बहुत अधिक प्रयोगशील हुई है और साथ ही साथ जो नए कथाकार आए हैं वो कहानी की नई नई परिधियों का स्पर्श कर रहे हैं, नए क्षितिजों को छू रहे हैं। तो विषय था कहानी में नवोन्मेष और बस्तर में 2-3 स्थानों पर गोष्ठियां हुई जिनमें नए कथाकारों की कहानियों पर चर्चा हुई। ये कथाकार थे मिथिलेश प्रियदर्शी, श्रीधर करुणानिधि, उमेश चरपे, माधव राठौड़ और विवेक आसरी। 8वां आयोजन
ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ 28, 29 और 30 अक्टूबर 2022 को। और इसमें इन नए कथाकारों में उनमें से एक उषा दशोरा यहाँ पर मौजूद हैं, उज्मा कलाम, श्रद्धा श्रीवास्तव, सुमेधा अग्रश्री, ट्विंकल रक्षिता और काव्या कटारे। नवा आयोजन इसी वर्ष 2024 में ही शिवरी नारायण और कोरबा के जंगलों में यानी छत्तीसगढ़ में यह आयोजन हुआ था। इसमें सविता पांडे, निहाल पराशर, सुदीप सोहनी, प्रीति प्रकाश, श्री कुमार, गरिमा पांडे और सुमन शेखर की कहानियों पर चर्चा हुई। और उसके बाद ये दसवां आयोजन